आ जाओ मेरे पास। डायमेंशन की रिक्वेस्ट मेरे पास आई थी, कुछ बच्चों ने कहा सर डायमेंशन के मुझे इस तरह से न्यूमेरिकल करा दीजिए, कैसे कैसे पूछे जाते हैं। तो आज मैं आपको डायमेंशनल एनालिसिस के न्यूमेरिकल एग्जांपल्स कराऊंगा, जिनमें आज का टॉपिक होगा टू डिराइव द रिलेशन। जैसे आपको कहा जाए कि ये क्वांटिटी इस पर डिपेंड करती है, डेरिवेशन करिए, तो वो आज हम सीखेंगे। तो बेटा तैयार हो जाइए यदि आपको डायमेंशनल के न्यूमेरिकल करने हैं। लेकिन इसे शुरू करने से पहले आप डायमेंशंस के पुराने कंसेप्ट भी देख लीजिएगा, डायमेंशन के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, तभी आप इसे समझ पाएंगे। तो ठीक है बेटा, लौट आइए 30 सेकंड बाद। और t की पावर हो गई बेटा -2b। कैसे
बेटा एल की पावर ए और एल की पावर बी, तो एल की पावर ए प्लस बी और टी की पावर हो गई माइनस टू बी। अब बेटा ये तो है लेफ्ट हैंड की डायमेंशन डायमेंशनल फॉर्मूला, ये है राइट का डायमेंशनल फॉर्मूला। अब वो दोनों सेम तो होने चाहिए, तो टी की पावर है माइनस टू बी, टी की पावर है वन, तो बेटा माइनस टू बी इक्वल होना चाहिए वन के, जिससे हमें मिलता है बी की वैल्यू माइनस हाफ, बी की वैल्यू माइनस हाफ। अब बेटा अब बी आंसर आ गया, अब बताओ लेंथ की पावर यहां क्या है, लेंथ की पावर है राइट साइड में ए प्लस बी, और लेफ्ट साइड में लेंथ की पावर क्या है बेटा जीरो। अब यदि राइट साइड में लेंथ की पावर है बेटा ए प्लस बी, लेफ्ट साइड में है जीरो, तो लेफ्ट और राइट बराबर होने चाहिए, तो इसलिए ए प्लस बी इक्वल टू जीरो। लेकिन b की वैल्यू तो मैं माइनस हाफ निकाल चुका हूं, तो a माइनस हाफ इज इक्वल टू जीरो, तो बेटा a इज इक्वल टू हो गया हाफ। क्या हो गया बेटा a इज इक्वल टू हाफ। अब मेरे बेटा इसके बाद जब a और b आ जाए तो आप इसे पुट कर दीजिए फर्स्ट में, पुट इन फर्स्ट, तो बेटा फर्स्ट में पुट करेंगे तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या बनेगा, टाइम पीरियड का फॉर्मूला बनेगा k l की पावर a था, a का मतलब बेटा हाफ, और g की पावर था b, b की वैल्यू है माइनस हाफ, तो इससे टाइम पीरियड का फॉर्मूला बनेगा k l की पावर हाफ अपॉन g की पावर हाफ, रोको g की पावर हाफ है बेटा। अब यहां से है बेटा, तो क्या हुआ, a की वैल्यू रख दी हमने, b की वैल्यू रख दी, अब ये आप लिख सकते हो t इज इक्वल टू k अंडर रूट l अपॉन g। ये फॉर्मूला आपने डिराइव कर दिया, पता है असली फॉर्मूला क्या है, जब आप सिंपल पेंडुलम की स्टडी करोगे तो असली फॉर्मूला रियल फॉर्मूला है बेटा टाइम पीरियड का 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, ये है रियल फॉर्मूला। अब मेरे बेटा इस मेथड की सिर्फ कमी ये है कि ये कांस्टेंट को नहीं ढूंढ पाया, बाकी तो फॉर्मूला बता दिया। अच्छा तरीका एक बार फिर से देखो, टाइम पीरियड डिपेंड अपॉन एल एंड जी, तो एक की पावर एक की पावर बी, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा दिया, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाने के बाद लेफ्ट की डायमेंशन और राइट की डायमेंशंस रखी, लेफ्ट और राइट की डायमेंशंस कंपेयर करी, बराबर होनी चाहिए, यहां t की पावर है माइनस टू बी, यहां t की पावर है 1, तो माइनस टू बी इज इक्वल टू 1, उससे b आ गया, लेंथ की पावर है a प्लस बी, लेंथ की पावर है 0, जिसमें b को रख के a आ गया, जब a और b दोनों आ गए तो उसे फर्स्ट में पुट कर दिया, फर्स्ट में पुट करके फिर तो आपके सामने सॉल्व कर दिया। एक और देख सारे कैसे होते हैं सारे, यहां के बाद यदि आपको k की वैल्यू पता है तो एग्जाम में लिखे आना कि वी नो दैट k इज 2 पाई, और यदि ना पता है तो रिस्क मत लेना, पता चला गलत लिख करके आपने उल्टा और दिया तो तब आप मत लिखना, तब आप इतना ही छोड़ के आ जाना, तो हमें तो पता है तो हम लोग लिख देंगे कि हियर k इज। एक और एग्जाम्पल देखो बेटा, एग्जाम्पल नंबर 2, यदि हम आपसे कहें कि इफ फोर्स डिपेंड्स अपॉन, if force depends upon mass, velocity and radius, ये बेटा हम सेंटीमीटर फोर्स की बात कर रहे हैं लेकिन आपको अभी उसके बारे में नहीं पता, तो बस मैं फोर्स कह रहा हूं। if force depends upon mass, velocity and radius, तो बेटा आपसे कहा जा रहा है derive the relation, derive relation, इनका फॉर्मूला बताओ, तो कहने वाले आपसे क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बेटा फोर्स के फॉर्मूले में मास है, वेलोसिटी है, रेडियस है, हमें नहीं पता पावर क्या है, अपनी तरफ से अज्यूम कर लो पावर को एबीसी मान लो, तो जब भी वो कहें डिपेंड अपॉन एम वी आर, तो एम की कुछ पावर ले लो, वी की कुछ पावर और आर की कुछ, जिस पे भी डिपेंड कहें। अब बेटा यहां पर आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा करके कॉन्स्टेंट लगा दो, तो के एम की पावर ए, वी की पावर बी, आर की पावर सी, इसे कह दो फर्स्ट इक्वेशन। इसके बाद बिल्कुल पिछले वाले की तरह से लेफ्ट की डायमेंशन फॉर्म रखूंगा, राइट के डायमेंशनल फॉर्म में रखूंगा और कंपेयर करूंगा, तो मेरे बेटा लेफ्ट हैंड साइड में तो कुछ भी कंपेयर को करने को है ही नहीं, लेफ्ट साइड है फोर्स जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला है एम एल टी माइनस टू, प्रॉपर तरीके से लिखूंगा तो एम वन एल वन टी माइनस टू। राइट हैंड साइड मेरे बेटा, राइट हैंड साइड में कॉन्स्टेंट का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है, मास का डायमेंशनल फॉर्मूला है एम जिसकी पावर है ए, वेलोसिटी का फॉर्मूला है lt माइनस 1 जिसकी पावर है b, शॉर्टकट मार दिया, और रेडियस एक तरह से लेंथ है जिसकी पावर है c। अब मेरे बेटा क्या आया, राइट हैंड साइड क्या आई, तो मास की पावर तो सिर्फ a, लेंथ की पावर हो गई b प्लस c, और t की पावर हो गई माइनस b। ये हमारी लेफ्ट की डायमेंशन है डायमेंशनल फॉर्मूला, ये राइट का डायमेंशनल फॉर्मूला। अब क्या करते हैं बेटा, इसके बाद हर बार एक ही काम करते हैं, कंपेयर करते हैं डायमेंशन को, तो अब आप इन्हें कंपेयर करो, कंपेयर द डायमेंशंस, तो आप कंपेयर लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, तो बताओ राइट हैंड साइड में मास की पावर है ए,
लेफ्ट साइड में मास की पावर है 1, तो बेटा a इज इक्वल टू 1 आ गया। फिर इसके बाद बेटा यहां t की पावर है -b, यहां t की पावर है -2, देख बेटा t की पावर -b, t की पावर -2, यानी कि बेटा -b इज इक्वल टू हो गया -2, जिससे मिल गया b इज इक्वल टू 2, ये छोड़ दो। लेंथ की पावर है बेटा b+c, लेंथ की पावर है, डायमेंशन है यहां पर 1, तो b+c इज इक्वल टू 1 आ गया, जिसमें b को 2 रख दूंगा तो 2+c इज इक्वल टू 1, तो बेटा c हमारा हो जाएगा यहां पर -1। तीनों निकल गए, कैसे कंपेयर कर लिए, पहले मास की पावर कंपेयर करी, टाइम की पावर कंपेयर करी, लेंथ की पावर कंपेयर करी, जब तीनों आ गई तो पुट इन फर्स्ट वाले में दोबारा से रख दो, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो गया, k, मास की पावर a यानी कि 1, वेलोसिटी की पावर b यानी कि 2, और रेडियस की पावर c यानी कि -1, तो रेडियस की पावर -1, तो इससे फोर्स निकल के आया mv² / r × k। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं मैं, असली फॉर्मूला जो फोर्स का है, सेंट्रीपिटल फोर्स का, जो आप आगे चल के पढ़ोगे, वो है mv² / r, यानी कि ये कांस्टेंट 1 है। अब डायमेंशन मेथड की यही तो कमी बता रहा हूं कि ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को नहीं ढूंढ पाता, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को नहीं पता लगा पाता, तो वो यदि आपको याद है तो लिख देना हियर वी नो दैट k इज इक्वल टू 1, और नहीं याद है तो छोड़ देना, फिर क्या है, है बेटा। अब अगला एक एग्जाम्पल और लो, उसके पहले बोर्ड क्लियर कर दो, एग्जाम्पल के लिए थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल लेंगे। तो आप ये तो समझ गए बेटा, अब तक आपने जो दोनों न्यूमेरिकल करे क्या किया, जरा जल्दी से बताओगे। सबसे पहले उन्होंने कहा ये इस पर डिपेंड करता है, जिस पर डिपेंड करता है उनकी पावर को ए बी सी मान लिया, जैसे इसमें लेंथ और जी पर डिपेंड करता है तो लेंथ की पावर ए, जी की पावर बी, और फिर इसके बाद लेफ्ट और राइट के डायमेंशन कंपेयर कर दिए, कंपेयर कर दिए। अब देखो बेटा एक और डिराइव करके दिखा रहा हूं बेटा, यदि आपने 2-4 सीख लिए फिर आपको चाहे एग्जाम में कितने भी आ रहे हैं आप सारे कर सकते हो, बस दिक्कत यह है कि ढंग से नहीं सीखते बच्चे हैं। अब मेरे बेटा अगला एग्जाम्पल बेटा, यदि फोर्स, इफ फोर्स डिपेंड्स अपॉन, यदि बेटा फोर्स डिपेंड करता है, कॉफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी, रेडियस एंड वेलोसिटी। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दूं, जब कोई बॉल किसी लिक्विड में या किसी मीडियम में गिरती है तो उस पर एक अपोजिंग फोर्स लगता है, जिसे बोलते हैं विस्कस फोर्स। हम उसी का फॉर्मूला डिराइव करने जा रहे हैं, लेकिन फालतू में आपको कंफ्यूज क्या करना, जब आप विस्कोसिटी के बारे में पढ़ा ही नहीं, आपने विस्कस फोर्स पढ़ा ही नहीं, तो बस ये समझ लें ये कोई फोर्स है। इफ फोर्स डिपेंड्स अपॉन विस्कोसिटी, रेडियस एंड वेलोसिटी, ये कौन सा फोर्स है, विस्कस फोर्स, लेकिन आप सिर्फ फोर्स बोलो। डिराइव द रिलेशन, आपसे कह रहे बेटा रिलेशन डिराइव करो, डिराइव द रिलेशन है बेटा। अब रिलेशन डिराइव करते हैं, सॉल्यूशन देख बेटा उसी मेथड का बार बार रिवीजन। फोर्स डिपेंड्स अपॉन विस्कोसिटी, रेडियस एंड वेलोसिटी, पावर ए, पावर बी, पावर सी, फिर प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट के। ये मेरा बन गया फॉर्मूला, जिसमें मुझे पावर सर्च करनी है, मुझे पावर ढूंढनी है। अब मेरे बेटा मैं क्या करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशन निकालूंगा। लेफ्ट हैंड साइड तो फोर्स है, जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला है बेटा ML T-2, प्रॉपर लिखे तो M1L1T-2, और मेरे बेटा राइट हैंड साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला जरा निकालना पड़ेगा। राइट हैंड साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला k कॉन्स्टेंट है, इसका कुछ नहीं है, ये डायमेंशनलेस कॉन्स्टेंट है। विस्कोसिटी का ML-1 T-1 वो लिखा, अभी तो मिटाया भी नहीं, विस्कोसिटी, कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसकी पावर है 1। अच्छा रेडियस होती है एक तरह से लेंथ, पावर हो गई बी। वेलोसिटी होती है बेटा LT-1, इसकी पावर हो गई सी। तो इससे मुझे क्या मिला, देखो बेटा विस्कोसिटी की ML-1 T-1, रेडियस की एल, वेलोसिटी की LT-1, तो कुल मिला के मास की पावर तो सिर्फ यहां पर आई है ए, लेंथ की पावर -1 × a यानी -a, लेंथ की पावर बी, लेंथ की पावर सी। अच्छा टाइम की डायमेंशन, टाइम की डायमेंशन है -a, टाइम की डायमेंशन कुछ नहीं, टाइम की डायमेंशन है -c। ये है राइट हैंड साइड की डायमेंशन, मास की डायमेंशन है ए, लेंथ की डायमेंशन है -a +b+c, और टाइम की डायमेंशन है -a -c। अब क्या करना है, कंपेयर द डायमेंशंस। अब आप लेफ्ट को राइट से कंपेयर करके आंसर लेने को तैयार हो जाओ।
लेफ्ट को राइट से कंपेयर कर, मास की डायमेंशन है ए, मास की डायमेंशन है वन, यानी बेटा ए इज इक्वल टू वन, एक आंसर तो यही तैयार बेटा। अब पहले टी को ले लो, टी की पावर है माइनस ए माइनस सी, टी की पावर है माइनस टू, तो यानी कि बेटा माइनस ए माइनस सी टी की पावर, और टी की पावर लेफ्ट साइड में है माइनस टू, तो यानी बेटा ए प्लस सी इज इक्वल टू टू हो गया। ए को वन रख दो, ए को यहां से वन रख दो, तो सी की वैल्यू वन आ जाएगी। अब ए और सी आ गए, मास की पावर कंपेयर हो चुकी, टाइम की पावर कंपेयर हो चुकी, अब लेंथ को कंपेयर करो, लेंथ की पावर है माइनस ए प्लस बी प्लस सी, और लेंथ की पावर है वन, इसमें बेटा ए और सी को वन रख दो, ए को भी वन रख दो, सी को भी वन, तो दोनों कट जाएंगे, तो बचेगा बी इज इक्वल टू वन। अब मेरे बेटा ए बी और सी तीनों वन आ गए, तीनों आ गए, अब बेटा पुट करने का समय आ गया है, पुट इन फर्स्ट, फर्स्ट में पुट करोगे तो फोर्स आ जाएगा एफ इज इक्वल टू के ईटा की पावर ए यानी कि वन, रेडियस की पावर बी यानी कि वन, वन लिखने की जरूरत नहीं, और वेलोसिटी की पावर सी वो भी वन। तो बेटा ये हमारा फॉर्मूला है एफ इज इक्वल टू के ईटा आर बी। मैं तुम्हें बताऊं बेटा, जब आप चैप्टर लास्ट में पढ़ोगे तो असली में फोर्स का फॉर्मूला क्या आता है, फोर्स का फॉर्मूला आता है बेटा विस्कस फोर्स का 6 पाई ईटा आर वी। अब मेरे बेटा ये जो कांस्टेंट है दरअसल 6 पाई है। अब यदि आपको कांस्टेंट की वैल्यू याद हो तो आप के की वैल्यू 6 पाई रख आओ, और यदि नहीं याद हो तो बेटा पंगे मत लेना, फिर उसे छोड़ आओ, याद हो बहुत बढ़िया, वेल एंड गुड, फिर तो लिख के आओ, वहां लिख देना कि वी नो दैट के इज इक्वल टू 6 पाई, और यदि आपको नहीं याद आ रहा तो फिर आप छोड़ो उसे। तो मेरे बेटा ये आपका आया एक और एग्जांपल टाइम। चलो बेटा बहुत सारे हो गए, अब एक तुम्हारे लिए 2-3 मिनट का छोटा सा और करवा देता हूँ, इसे तुम अपने मेरे साथ साथ बता दो, और ऐसा लूंगा जो फॉर्मूला तुम्हारा सुना हुआ हो। बेटा इफ काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन मास एंड वेलोसिटीज, बिल्कुल सिंपल ले रहा हूं, तो तुम्हारा रिविजन है, डिराइव द रिलेशन, आपसे कह रहे हैं बेटा रिलेशन डिराइव करो, डिराइव द रिलेशन, ठीक। क्वेश्चन बिल्कुल पिछले वालों की तरह से है, आज ये कमांड हो जानी चाहिए। मेरे बेटा सबसे पहले आप क्या करते हो सॉल्यूशन में, तो उन्होंने कहा काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन, मैं समझ गया काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में मास और वेलोसिटी है, पावर क्या है नहीं पता, पावर ए और बी ले लो, मास और वेलोसिटी है, पावर ए और बी ले लो, खत्म। उससे अगला स्टेप तुम सोचते रहो आगे आगे, मैं तो कर ही दूंगा, प्रोपोर्शनलिटी की जगह इक्वल का साइन लगाओ, इक्वल का साइन लगा करके इक्वेशन नंबर वन, इसके बाद क्या करते हैं सोचते रहो, फिर आप तुम लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशनल फॉर्मूले रखते हो, राइट हैंड साइड के डायमेंशनल फॉर्मूले रखते हो, लेफ्ट हैंड साइड है काइनेटिक एनर्जी जिसका मैंने दे रखा है, हर एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला एम एल स्क्वायर टी माइनस टू है, और बेटा राइट हैंड साइड में ये डायमेंशनलेस कॉन्स्टेंट है, मास, मास की पावर है ए, वेलोसिटी का वैसे तो होता है, वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला एल टी माइनस वन, और पावर है बी, तो ये हो गया बेटा वेलोसिटी का। अब यहां मैंने क्या किया, मास की जगह तो एम रख दिया, वेलोसिटी की जगह एल टी माइनस वन रख दिया, अब क्या करोगे बेटा कंपेयर करो, कंपेयर करो, तुम्हें सिर्फ तरीका सिखा रहा हूं कि तुम आगे आगे सोचते रहो, कंपेयर करो लेफ्ट को राइट से, तो मास की पावर ए, मास की पावर वन, तो बेटा आपका आ गया ए इज इक्वल टू वन, लेंथ की पावर बी, लेंथ की पावर टू, तो बेटा आपका आ गया बी इज इक्वल टू टू, टी की पावर माइनस बी और टी की पावर माइनस टू, तो वो भी वही आ गया। अब जब आपको ए और बी मिल गए तो अब आप पुट करिए फर्स्ट में, पुट इन फर्स्ट, तो मेरे बेटा काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, के मास की पावर ए यानी कि वन, वेलोसिटी की पावर बी यानी कि टू, तो भैया डायमेंशनल वाले मेथड ने यहां ला करके बस धार में छोड़ दिया, लेकिन हम तो जानते हैं ये वाला, तो तुम जानते होगे कि वी नो दैट यहां पर k की वैल्यू है हाफ, तभी तो मेरे बेटा काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हाफ एम वी स्क्वायर आती है, ये आपका जाना पहचाना फॉर्मूला जानकर दिया था। तो भैया ये मेथड बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, लेकिन इसमें एक कमी है, हर चीज में, हर इंसान में भी कमी होती है, इसमें सिर्फ ये कमी है कि ये जो कॉन्स्टेंट्स है, डायमेंशनलेस कॉन्स्टेंट्स है, उनकी वैल्यू नहीं बता पाता, वो आपने 2-3 एग्जाम्पल में देख लिया होगा। तो ठीक है बेटा, इनको आप रिवाइज करिए, और अब समय आ गया है कहने का बाय बाय मेरे पढ़ाकू, पढ़ाकू किस लिए, एंड तक देखा इसलिए।